मॉर्निंग स्टूडेंट्स so, आज का हमारा टॉपिक है टी डी एस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो तो है उसका सेक्शन क्या है अंडर सेक्शन फिफ्टी वन तो इसमें हम क्या करेंगे पहले हम डिस्कस करेंगे डिडक्टर क्या होता है डिडक्टर की अगर हम बात डिडक्टर कौन होता है द पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स बिफोर मेकिंग पेमेंट यानी कि वो पर्सन जिसको टैक्स जिसने डिडक्ट करना है पेमेंट करने से पहले जैसे सपोज करो आप कहीं से सामान लेने जाते हो जैसे सपोज़ करो मॉल में ही कोई जाते हो ठीक है तो वो क्या करता है पहले आपका जो जी है वो इंक्लूड करके आपको जो है चीज़ें देता है जी डिडक्ट करके देता है तो वो कौन हुआ डिडक्टर हुआ इसी तरह डिडक्टी कौन होता है हुज़ टैक्स इज डिडक्टेड वो पर्सन जिसका टैक्स डिडक्ट होता है यानी कि जो जैसे कस्टमर हुए ठीक है कस्टमर ने क्या किया प्रोडक्ट खरीदा उसमें जीएसटी इंक्लूड होकर मिला तो इसका मतलब क्या है उस प्रोडक्ट से जो हो है वो टैक्स कट चुका है तो वो कौन हुआ वो कस्टमर जो हुआ वो डिडक्टिव हुआ और जो सेलर हुआ वो कौन हुआ डिडक्टर द गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द पर्सन टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द पेमेंट टू सप्लायर द टोटल सप्लाई इज मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड उन्होंने बोला है कि जो सप्लायर है अगर वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यानी कि ढाई लाख से ज़्यादा गुड सप्लाई कर रहा है तो उस केस में उसकी ड्यूटी बनती है कि वो टी डी एस काट के ही जो है गुड सप्लाई करे ठीक है पेमेंट जो है वो ले अगर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से कम की गुड्स बनती है देन उस केस में टी डी एस काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती दिस टी डी एस प्रोविज़न विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज़ विद इन द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि ये टी डी एस की प्रोविज़न तभी एप्लीकेबल होगी अगर जो गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं वो विद इन द स्टेट हो यानी कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में ही गुड सप्लाई हो रही है और वो रजिस्ट्रेशन हुई पड़ी है जीएसटी के अंडर ठीक है तो उस केस में जो है वो टीडीएस की प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल होगी नेक्स्ट है मैक्सिमम रेट ऑफ टीडीएस विल बी वन परसेंट द टी डी एस शुड बी डिपोजिटेड टू गवर्नमेंट विद इन द टेन डेज़ ऑफ द फॉलोइंग मंथ ठीक है जैसे उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम जो टी डी एस का रेट होता है वो वन परसेंट होता है और जो टी डी एस है वो डिपोजिट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट को कब जब आपने कोलेक्ट किया उसके उसके नेक्स्ट मंथ के टेंथ तक यानी कि सपोज करो आपने नवंबर का कोलेक्ट किया टी डी एस तो आपको नेक्स्ट मंथ की टेंथ दिसंबर तक जो है वो डिपोज़िट करवाना पड़ेगा किसको गवर्नमेंट को द डिडक्टिव शैल क्लेम क्रेडिट इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ़ द टैक्स डिडक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड इन रिटर्न ऑफ डिडक्टर इसका मतलब क्या है जो deductee होगा वो क्रेडिट कब क्लेम कर सकता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू जो है वो उसका जो क्रेडिट है क्लेम कर सकता है ठीक है नेक्स्ट है TCS. सी एस टी सी एस क्या है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि जो पर्सन कोलेक्ट करता है टैक्स ये किस सेक्शन में आएगा अंडर सेक्शन फिफ्टी टू जो टी डी एस था वो सेक्शन फिफ्टी वन में आता था और जो टी सी एस था वो सेक्शन फिफ्टी टू में आएगा ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर अब इसमें व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर ये होता क्या है एनी पर्सन हु ऑपरेट्स ओन्स और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कमर्स इसका मतलब कि कोई भी पर्सन जिसकी ओनरशिप हो या कोई ऑपरेट कर रहा हो या मैनेज कर रहा है किसको इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म वगैरह को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए ठीक है ई e कॉमर्स अगर हम बोले से ठीक है तो उसे हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर एवरी इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट सेल कलेक्ट टैक्स एज मे बी नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड थ्रू इट यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है चाहे वो एजेंट नहीं है वो क्या करेगा टैक्स क्लेक्ट कर सकता है जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है या गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है जितनी भी सप्लाई की गई है सप्लाई जैसे सपोज करो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से अगर ज़्यादा की है ठीक है तो जितना भी उस पर टैक्सेबल सप्लाई बनती है जितना भी उस पर टैक्स बनता है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकता है थ्रो इट बाय अदर सप्लायर वेयर द कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू सच सप्लायर टू भी कलेक्टेड बाई द ऑपरेटर ठीक है नेक्स्ट बताया हुआ है मैक्सीम रेट ऑफ टी सी एस विल भी वन परसेंट यानी कि अगर हम टी सी एस की बात करें टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इसका जो मैक्सीम रेट होता है वो वन परसेंट होता है वन परसेंट से ज़्यादा नहीं लगा सकते ठीक है द टी डी एस शुड भी डिपोजिटेड टू गवर्नमेंट विद इन द टेन डेज ऑफ फॉलोइंग मंथ यहाँ पे टी आएगा टैक्स कोलेक्टेड एट सोर्स ठीक है यानी कि जैसे मैंने बताया अगर नवंबर का है तो टेंथ दिसंबर तक आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा टी जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा द सप्लायर हु हैज सप्लाइड द गुड्स और सर्विसेज और बो थ्रू द ऑपरेटर शैल क्लेम क्रेडिट इन इज़ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इसका मतलब क्या है कोई भी सप्लायर जिसने गुड्स वगैरह सप्लाई की है या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की है खुद प्रोवाइड की है या कोई ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की है तो वो जो है क्रेडिट ले सकता है क्रेडिट क्लेम कर सकता है किसके थ्रू कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के थ्रू जो है वो अपना क्रेडिट क्लेम कर सकता है ऑफ द टैक्स कलेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटर जितना भी उसने टैक्स कलेक्ट किया है उसका या जितना भी उसकी ऑपरेटर की स्टेटमेंट्स में मैंशन किया गया है उतना वो जो है क्रेडिट क्लेम कर सकता है सो so, ये था आपका टी और टी का टॉपिक एक बार आप इसे रीड करके देख लेना अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना ठीक है टी डी एस का इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो टी डी एस जो है वो टैक्स डिडक्टर होता है जो कि टैक्स काट के आगे करता है और टी सी एस होता है जो कलेक्ट करता है जो पर्सन टैक्स कलेक्ट करता है ठीक है टी डी एस सेक्शन फिफ्टी वन के अंडर आता है और टी सी एस जो है वो सेक्शन फिफ्टी टू के अंडर आता है सो so, एक बार इसे रीड करके देख लेना अगर कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर लेना सो so, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है सो थैंक यू क्लास